हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जय माता जी, जय श्री कृष्ण। आज पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा आश्रम जहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ अभी कंप्लीट होने जा रहा है। आप जहीं से भी मुझे अभी देख रहे हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या कहीं से भी व्हाट्सअप के माध्यम से भी देख रहे हो, तो आज मैक्सिमम लोगों तक आज के वीडियो को शेयर करना। और आज इस वीडियो के अंदर हमें आपके पास से बस यही अपेक्षा है कि आप पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए कि आज भावनगर से महुआ हाईवे पे सोशल मीडिया आश्रम जो बन रहा है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही बन रहा है। तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, और आज इस वीडियो के अंदर हमें मैक्सिमम 50,000 लाइक की ज़रूरत है। तो जो भी कुछ हो सकता है, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, आज हमारा टारगेट है कि 50,000 लोग इस वीडियो को लाइक करें। मुझे लग रहा है कि 50,000 भी मैंने बहुत कम बोला है, क्योंकि अभी मिलियंस में लोग देख रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और जितनी हो सके उतनी लाइक करिए, क्योंकि आज पूरे वीडियो के अंदर जो भी कुछ अपडेट है, जितना काम यहाँ तक पहुँचा है, जो भी कुछ यहाँ पे काम अभी चल रहा है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए मेरे साथ बने रहिए, अंत तक देखना इस छोटे से एपिसोड को, और पूरे इंडिया के अंदर फैला दीजिए। और कमेंट जरूर कर देना भाई लोग, क्योंकि कमेंट करोगे तो हमारी भूल हमें पता चलेगी, जिसके माध्यम से हम आगे जाके कुछ उनको सुधार ला सकते हैं। और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वीडियो में हमारे शुभचिंतक श्री संजय भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण संजय भाई। हाँ बिल्कुल, और क्या कहोगे आज सोशल मीडिया आश्रम के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि जो हमारे ये पोपड़ भाई हैं जी, ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ना, जब तक आप लोग इनका सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो इनकी हिम्मत नहीं बनेगी। बिल्कुल, थैंक यू। हिम्मत क्या टूट जाएगी। अगर क्या है, कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम लोगों को उसको, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इतना पावरफुल तो नहीं हूँ। बिल्कुल, बट संजय भाई मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति का सपोर्ट करने का तरीका अलग अलग रहता है। कोई व्यक्ति फाइनेंशियली करता है, कोई व्यक्ति फिजिकली करता है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा गुजरात है, मारो गुजरात, गर्वी गुजरात है ना, ये किसके लिए मशहूर है? ये दान पुण्य के लिए मशहूर है। बिल्कुल, लोग यहाँ पर जब भी कहीं बाहर से, कहीं से भी कोई भी आदमी आता है ना गुजरात में, और किसी के घर से अगर वो एक गिलास पानी मांगता है ना, तो सबसे पहले गुजराती आदमी क्या क्या पूछते हैं कि भाई खाना खाया कि नहीं खाया। क्या बात, क्या ये बात, गुजरात की, आपने। नहीं, ये गुजरात का क्या ना, ये संस्कार है, तो इस संस्कार को बनाए रखना है, टूटना नहीं है, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए जी। तो वही काम आज ये मेरा भाई कर रहा है। बिल्कुल, ये इनके साथ में मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है ना, एक दिल का रिश्ता बन गया है जी। इसलिए क्या है कि ना, मैं इनको देखा, इनका चरित्र देखा, इनका सब कुछ देखा, तब जाकर के ना मैंने इनका तारीफ करना शुरू किया कि भाई अच्छे आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग इसको सपोर्ट करो, फाइनेंशियली करो, जैसे फिजिकली करो, मानसिक रूप से आप अपना टाइम देके भी कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करोगे तो भी वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप जो आप लोग हमारा वीडियो देखते हो, अगर आप लोग इसको लाइक पे, जैसे बोलते ना लाइक दबाते हैं, लाइक करते हैं, जो अगर आप लोग लाइक करोगे ना, और हमारा नाम अगर सबसे ज्यादा लाइक में आ गया ना, तब भी हमारा मानसिक रूप से हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या बात, क्या बात। संजय भाई के लिए भाई एक बार कॉमेंट कर दो। थैंक यू सो मच संजय भाई। जय श्री कृष्ण। हिम्मत भाई बुला रहे हैं। बिल्कुल, अभी हिम्मत भाई से मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे करता हरता सोशल मीडिया आश्रम के जो भी कुछ मैनेजमेंट जो कर रहे हैं हमारे हिम्मत भाई, वैसे तो अक्सर ब्लॉग में वो आते हैं। हमारे हिम्मत भाई का काम बहुत तेजी से अभी चालू है। हिम्मत भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या कहना चाहते हो आज? ये कहना चाहते है की हो रहा है काम दीवाल का, और सभी दर्शकों को यही कहेंगे कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या बात, और बने इतना पोपट भाई को सपोर्ट कीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अभी जो आपको हमारे पीछे दीवार दिख रही है, अभी ये भी मैं बता देता हूँ ये दीवार क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, पुराण का हमने किया था, ये 7-8 फुट अंदर था, पूरा खड्डा था। ये पुराण करने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आया और पूरी दीवार टूट गई, कि जिसकी वजह से हमें पूरी नई दीवार बनानी पड़ रही है। और यहाँ से जितने भी ये ब्लॉक आपको दिख रहे, बेले हम कहते हैं कि ये बेला जो अभी निकल रहा है, ये सभी बेले को यूज़ करके हम यहाँ पे उनका रिप्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी वजह से ये पूरा माल वेस्ट ना हो। और दोस्तों, आज मुझे बताते हुए पूरा गर्व हो रहा है कि आज से 1 साल से पहले जब हमने ये बाउंड्री लाइन कंप्लीट करी थी, उस वक्त एक हमारे दाताश्री थे, जो जितने भी यहाँ पे आपको ये जो पत्थर दिख रहे हैं, ये जो बेला दिख रहा है, उनके पूरे हमारे वाकानेर से करसन भाई आहिर, जिसने ये पूरे बाउंड्री का जो भी कुछ ये पत्थर है, बेला है, जिनका उसने सपोर्ट दिया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। करसन भाई के लिए एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज वापस से मुझे उनके ऊपर गर्व हो रहा है कि आज उनके साथ और सहयोग से ये पूरी बाउंड्री कंप्लीट हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये हम खरीदने भी जाएंगे तो भी ऑलमोस्ट 10-15 लाख रुपये का सामान है, और करसन भाई ने अपने कंपनी में से ये सब कुछ सहयोग दिया था, और उनका हम रीयूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो। थैंक यू सो मच करसन भाई, भगवान आपको और हिम्मत दे,
और तरक्की दे, भगवान आपको हमेशा हर हमेशा माटे खुश रखे। बस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी बाउंड्री लाइन का काम चालू है वहाँ तक। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ पे काम हमारा जो बिल्डिंग का पहुँचा है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरा दो तीन काम अभी चालू है, गौशाला का भी अभी काम चालू है क्योंकि अभी डोम तो कम्प्लीट हो चुका है, पर अंदर का जो भी कुछ काम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने गौशाला की अपडेट आपको नहीं दी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ, थैंक यू। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मार्बल फिटिंग का काम हो गया है चालू। ये पूरा दरवाज़ा का जो भी कुछ है फ्रेम अभी तैयार हो गई है, ये मार्बल के लिए जो भी आप यहाँ की, क्योंकि इसमें घिसाई जो करनी पड़ती है बहुत टाइम लगता है इसको कटिंग करने में भी, बट चले मेरे साथ। अभी सभी जगह पे फ्रेम का काम चालू हो गया है डोर के अंदर, और अंदर भी काम अभी चालू है। अंदर भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे अभी दीवार का काम चालू है, तो सभी लोग पालक अभी बांध रहे हैं कि जिसकी वजह से आराम से ऊपर चढ़ सके और फिनिशिंग बना सके। क्या मार्बल का काम कर रहे हो? कटिंग कर रहा हूँ, फिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आप फिटिंग भी आप भी करते हो? हाँ। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान से। राजस्थान से ही हो? हाँ। अच्छा, कौन से जिले में? सीकर जिला। अभी नवा जिला बन गया, नीम का थाना। क्या बात, आपका मेहनत बहुत ही है। मेहनत तो करना पड़ता है ना, मेहनत भी कर दो देखने तो रोजगार कैसे चलेगा। बिल्कुल, ये दोस्तों आप देखिए ये पूरी फ्रेम लग चुकी है जिसके माध्यम से ये पूरा मार्बल का यूज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों सामान तो है ही पर साथ साथ में जो भी कुछ मजूरी का काम होता है तो मजूरी भी बहुत लगती है इसको फिटिंग करने में। आप सभी लोग समझदार है क्योंकि हम भी एक घर में रह रहे हैं सभी लोग, तो घर के अंदर एक छोटा सा रिनोवेट भी करेंगे तो कितना सारा खर्चा होता है। तो आज ये तो 600 लोगों का घर बन रहा है, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में हमें फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ती रहती है, पर भगवान की कृपा है, आप सभी लोगों का सहयोग है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्बल का जो कटिंग है, क्योंकि उसकी घिसाई करनी पड़ती है और उनकी कोर को काटना पड़ता है जिसकी वजह से कोई दुर्घटना की वजह से कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे भी आप आइए, ये अंडरग्राउंड नल फिटिंग है, ये आप देख सकते हो जो नल फिटिंग पूरी पाइप यहाँ पे लगाई गई है, ये पीने का पानी के लिए यहाँ पे फिटिंग है। फिर यहाँ पे पूरी वासन को धोने के लिए पूरा नल फिटिंग यहाँ पे किया गया है। ये छोटी छोटी जो चीज़ होती है दोस्तों बहुत खर्चा लगता है, ये आप समझ सकते हो कि भाई एक छोटे से घर में भी, मैंने आपको आगे बताया कि जो भी कुछ खर्चा रहता है। ये आप देखिए यहाँ पे जो बॉक्स लगाया गया है अंडरग्राउंड, जो ये लाइट फिटिंग है, जब काम होता है चालू तभी करना पड़ता है, तो अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग है, नल फिटिंग है, या फिर किसी भी तरह का जो यहाँ पे काम चालू है अभी, तो बहुत ही खर्चा लगता है और आपके साथ और सहयोग से सब कुछ कम्प्लीट हो रहा है। चलिए मेरे साथ। यहाँ पे भी आप देखिए ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है जिनके अंदर भी पूरी दरवाज़ा की फिटिंग अभी चालू है। ये आप देख सकते हो ये तीनों सुंदर बाथरूम है अंदर भी। तो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे अभी टॉयलेट का जो फिटिंग है अभी काम यहाँ पे चालू है, नल फिटिंग हो गया है। बट मैं बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ड्रेनेज काम के लिए भी जो भी कुछ हमने प्लम्बिंग का जो काम दिया गया है कोई भी व्यक्ति को, तो 4 से 4.5 लाख रुपया तो उनकी सिर्फ मजूरी है यहाँ पे फिटिंग करने की। तो सोचिए कि भाई कितनी मेहनत लगती, ये हमारे जो ड्रेनेज काम के लिए हमारा जितने भी टॉयलेट लगते हैं, हमारे खास सपोर्टर है जिनका नाम मुझे अनाउंस करने के लिए मना किया है, बट उनके साथ और सहयोग से आज ये टॉयलेट की जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है उनकी तरफ से दी गई है, क्योंकि उनकी पूरी फैक्ट्री है गुजरात के अंदर, तो आज उनकी तरफ से पूरी जो जितने भी टॉयलेट के वासन लगेंगे वो फिर वेस्टर्न टॉयलेट हो गया या फिर इंडियन टॉयलेट हो गया, वो आज उनकी तरफ से ये सहयोग मिल रहा है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, आज भाई मुझे जहाँ से भी आप ये देख रहे हो, थैंक यू सो मच, आपका इतना बड़ा सहयोग आश्रम तक पहुँच चुका है। और आने वाले स्टेज में यहाँ पे सभी जगह पे लादी लगाई जाएगी, स्टाइल लगाई जाएगी, जिनके लिए भी काफ़ी सारा सपोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, बट वो हम आगे आपको अपडेट देंगे। जो भी काम जो हो गया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो। चलिए मेरे साथ, आपको इस साथ और भी बताता हूँ। सभी जगह पे फर्स्ट फ्लोर पे अभी ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा ऑफिस एरिया है, फिर डाइनिंग हॉल है, फिर ये हमारी लिफ्ट है, तो लिफ्ट के लिए भी अभी तो वो स्टेज आया नहीं है, बट आने वाले टाइम में वो भी आएगा, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि लिफ्ट कोई भी ऐसे पेशेंट है, जो भी कोई भी ऐसे दर्दी है जिसको हम ऊपर ले जा सके आराम से, तो बहुत बड़ी लिफ्ट भी लगेगी। अभी आप इधर आइए, अभी आप ये देख सकते हो पूरा डॉर्मेट्री है जो आपके साथ और सहयोग से ये छोटी छोटी चीज़ के लिए भी बहुत बड़ी मेहनत लगती है। आज पूरा डॉर्मेट्री के अंदर 45% की रहने की व्यवस्था है, 45 लोगों की रहने की व्यवस्था है एक डॉर्मेट्री के अंदर। ऐसे 8 डॉर्मेट्री है जिसके अंदर आराम से 45 व्यक्ति एक डॉर्मेट्री में रह सकता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड गटर लाइन भी है जो आप देख रहे हो अभी,
क्योंकि मान लीजिए इतना पोर्शन में किसी ने टॉयलेट कर दिया या फिर किसी ने बिगाड़ दिया तो हम इतने भाग में ही साफ सुफ कर सकते हो जो यहाँ पे गटर लाइन डाली गई है अंडरग्राउंड। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डॉर्मेट्री के अंदर टॉयलेट भी हमने बनवाया है और बाथरूम भी दोनों इंक्लूडिंग है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी वासन लग गया है। आप देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड जो भी कुछ फिटिंग वगैरह है वो भी हो चुका है और बाथरूम भी है और साथ साथ में वासन भी लग गया है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी तरह से ये सभी लोग आराम से नहा सकते, अपने शरीर को साफ कर सकते, क्योंकि सभी फैसिलिटी ऐसे बनाई गई है जैसे हम एक घर में रह रहे हैं, एक महल में रह रहे हैं। बस ये आपके साथ और सहयोग से हो रहा है। यहाँ पे हमारा सिर्फ ना सिर्फ फिजिकली रूप से हम आपको अपडेट दे सकते हैं, बट आपके साथ और सहयोग से और भगवान की कृपा से होता है। चलिए मेरे साथ और भी दिखाता हूँ। सभी डॉर्मेट्री के अंदर दरेक जगह पे ये लाइट फिटिंग भी किया गया है अंडरग्राउंड की, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम जो भी कुछ व्यवस्था है बहुत अच्छी से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या, अभी तो ठंडी का मौसम है, बट आने वाले टाइम में गर्मी का जब मौसम आएगा तो किसी भी प्रभु जी को गर्मी ना लगे, ये बात का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बहुत ही बड़ी व्यवस्था मैंने आपको आगे बताया कि ऐसे 8 डॉर्मेट्री है। यहाँ पे भी दो डॉर्मेट्री बाकी है, आप आइए इधर, यहीं पे भी अंडरग्राउंड सब कुछ फिटिंग वगैरह है, जो आप यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम देख सकते हो। ये जो रूम है ये हमारा रिक्रिएशन रूम है, यहाँ पे पूरा स्टेज बनने वाला है। आने वाले टाइम में कोई भी प्रकार का फंक्शन हो या फिर वजन हो, भक्ति का कोई काम हो या फिर किसी भी के तरह का जो फंक्शन करना है तो आप स्टेज के माध्यम से हम कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे अभी काम चालू है और इस जगह पे अभी मैंने आपको ब्लॉग की शुरुआत करी थी, आपने देखा आगे कि वहाँ पे दीवार का काम अभी चालू है, जो बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें ज़रूरत रहती है, ख़ास तौर पर सीमेंट की, क्योंकि ये जो भी कुछ है रेती कपची सीमेंट जो मुख्य पाया रहता है कंस्ट्रक्शन का, और ज़्यादा तौर पर फाइनेंशियली सपोर्ट, तो कोई भी सीमेंट के लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो कोई भी मेरे भाई एक बैग सीमेंट भी जो देना चाहता है, तो अभी जो हमारी पीछे दीवार बन रही है उनके अंदर हमें ऑलमोस्ट 1000 बैग सीमेंट की ज़रूरत है। तो कोई भी मेरे भाई एक बैग भी जो सीमेंट देना चाहता है, आप हमें एक बैग सीमेंट का सहयोग दे सकते हो, जिसकी कीमत है 385 रुपया 385, जिनके आपके सहयोग से एक बैग सीमेंट की वजह से हमारा जो भी कुछ काम है बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो वो दीवार बनाने के लिए अभी आप देख सकते हो दीवार का काम अभी चालू है, तो उनके अंदर जितने भी सीमेंट लगेगी तो हमें ऑलमोस्ट 1000 बैग सीमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट दीजिए, क्योंकि एक बैग का जो सहयोग आप दोगे तो हमारे सबके लिए व्यवस्था बन रही है। बस हम साबित कर सकते हैं कि सोशल मीडिया क्या कर सकता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अपडेट भी आपको देते हैं। चलिए मेरे साथ, थैंक यू। दोस्तों सबसे बड़ी यूनिक बात तो ये है सोशल मीडिया आश्रम की कि यहाँ पे सभी प्रभु जी का ख्याल हमें नहीं रखना पड़ता है, प्रभु जी हमारा ख्याल रखते हैं। क्योंकि उनका ये घर है तो हम जहाँ पे बाहर चले जाते हैं तो हमारे पीछे आते कि भाई ये कहाँ चले गए, हमारा राह देखते हैं। देखो हमारे महुआ सब अभी नहाए धोए बिना मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये आप राष्ट्रपति हो तो आपकी जो ये जो क्या है वर्तणूक है ना, वो राष्ट्रपति जैसे नहीं नहावा बता बैठा था ना, मैंने कहे पछी आओ आपने कहा वांधो है बताए नहीं रहा था, मैंने पछी तो मैं ना कसो वांधो नहीं, राष्ट्रपति छेले नहीं छेले नहीं है। तो हमारे इस सोशल मीडिया आश्रम के मुख्य अतिथि व्यक्तित्व राष्ट्रपति वो होता है जो देश का पहला ऐसा व्यक्ति होता है। तो हमारे सोशल मीडिया आश्रम के पहले ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के राष्ट्रपति है, बराबर ना? क्या कहना है आपकी भाषा में सोशल मीडिया आश्रम के बारे में? This one to going for my city parallel. क्या बात, क्या बात भाई, ये इंग्लिश आपको जो समझ में आ गई है तो कमेंट कीजिए भाई ने क्या बोला है, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी भाई के जैसी ही है। This one to walk and this one to find. मारो पहले से तमे बता पीपल तो पहले पीपल એટલા બધા લોકો આપણે છે આ જિંદગી ને કાર સાર કામ કરવા બેઠો છે। बिल्कुल, अभी राष्ट्रपति जी, मैं राष्ट्रपति जी इस हमारे राज्य की हमारे देश की सभी लोगों को अपडेट दे दूं? दे दो कि हमारा काम कहां तक पहुंचा है। दे दो, ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रपति जी के लिए एक बार लाइक कर दीजिए। हमारे संजय भाई यहाँ पे अभी रोटी का काम अभी चालू कर दिया है और सभी प्रभु जी की खाने की व्यवस्था भी हो गई है। मजा मजामा
મજા સફાય કોઈ હેરાન કરે છે તમને નહીં નહીં નત કરતો ને નહીં તમારી માટે કાલ લંડન થી ચારુ બેને ટોપી મોકલી હતી આ મેલો હે શાક મેલો ચા હમણા બને છે આપે મારા મુકા ભાઈ હા હમણા કરી દેવો ઓર આજ જો ભી કુછ મેને આગે ભી આપકો બતાયા કન્ટિન્યુ વ્લોગ હમારા ભી ચાલુ હે આજ ગૌશાળા કે લીએ ખાસ તોર પે જીતને ભી સારે સપોર્ટ ને આજ જીતને ભી સારે હમરે સપોર્ટર ને જો યોગદાન દિયા હે બહોત બડી બાત હોતી હે દોસ્તો ઓર આજ આપ સબકો એક મુજે ગુડ ન્યૂઝ દેની હે હમરે પુષ્પાબેન હલાઈ જો લંડન મે વેમલી મે રહેતે હે ઓર વેસે તો ઉનકા સપોર્ટ હર વક્ત રહેતા હે બટ પુષ્પાબેન હલાઈ યોગા ગ્રુપ કી તરફ સે આજ વેમલી કે એક યોગા ગ્રુપ કી તરફ સે ગૌશાળા કે લીએ 2,14,000 રૂપિયા કા સપોર્ટ દોસ્તો સોચીએ 2,14,000 રૂપિયા બહોત બડી બાત હોતી હે દોસ્તો થેન્ક યુ સો મચ પુષ્પાબેન આપકા બહોત બહોત ધન્યવાદ આપકે પૂરે ગ્રુપ કી તરફ સે આજ આપને વેમલી કે અંદર અપના યોગા ગ્રુપ જો ચલાતે હો બસ એસે હી સપોર્ટ કરતે રહીએ ઓર દોસ્તો આઈએ અભી વહાં પે હમારા જો સુબહ કે ટાઈમ પે હજી કુછ હુઆ નહીં થા બટ અભી અંદર કી જો ગમાણ બન રહી હે જો ગૌ માતા કે લીએ અચ્છી તરહ સે વો ખાના ખા સકે ઉસકે ઉનકે લીએ અભી વ્યવસ્થિત રૂપ સે પૂરા RCC કામ હોગા RCC કે બાદ ઉનકી ગટર લાઇન સહી તરહ સે હોગી ક્યુંકિ સબ કુછ ફિનિશિંગ સે સાથ જો હમ કામ કરેંગે તો આને વાલે ટાઈમ મે કભી હમે કોઈ પ્રોબ્લમ નહીં હો સકતી અભી આપ દેખ સકતે હો યહાં પે અભી કામ ચાલુ હે ઓર દોસ્તો આજ પુષ્પાબેન હલાઈ જો વેમલી યોગા ગ્રુપ કે અંદર અપના બહોત અચ્છી બહોત અચ્છા ક્લાસીસ ચલાતે તો આજ ઉનકી પૂરી ટીમ કી તરફ સે બહોત હી બડા યોગદાન કે લે થેન્ક યુ સો મચ ભગવાન આપકો હમેશા તન મન ધન સે તંદુરસ્ત રખે યે પૂરા જો ડોમ હે આજ કહીં ના કહીં આપકે સાથ ઓર સહયોગ સે પૂરા હુઆ હે તો એસે સપોર્ટ કરતે રહેના ઓર અભી દોપહેર કે 2 બજ ચુકે સભી હમારે મજૂર ભાઈ લોગ ખાના ખા કે મસ્ત રૂપ સે અભી કન્ટિન્યુ કામ કરની કે શરૂઆત કર રહે અભી ચલીએ મેરે સાથ પીછે કા ભી બાઉન્ડ્રી દિખા રહા હું નરેશભાઈ અભી કન્ટિન્યુ વ્યસ્ત હે આપકો કુછ કહેના હે નરેશભાઈ हाँ दोस्तों अभी देखो वो आश्रम के साथ साथ आश्रम का तो मतलब 80-70% काम हो गया अभी लाली प्लास्टर और जो सजावट का काम होता है वो हो रहा है और यहाँ पे हम बना रहे गौशाला जैसे मतलब यहाँ सब लोगों के साथ थोड़ी बहुत गाय होती है तो वातावरण एकदम शांत रहता है ऐसा बोलते हैं कि गाय होती है वहाँ पर प्रभुता होती है क्योंकि उनके अंदर 33 करोड़ देवता देवी देवताओं का वास है और इंसान के साथ साथ गाय माता की भी सेवा करने का मौका मिलेगा हमें और हम तो इधर ही रहते हैं और हमें तो मजा आएगा बिल्कुल बिल्कुल और दोस्तों आप भी आ सकते हो गौ माता की सेवा करने के लिए आने वाले थोड़े दिन के अंदर माता का आगमन भी होगा बट चले कोई बात नहीं फिर से मैं दोहरा देता हूँ हमारे पुष्पाबेन हलाई वेम्बली योगा ग्रुप की तरफ से जो सहयोग दिया गया है आज सुबह ही मुझे फ़ोन आया था थैंक यू सो मच पुष्पाबेन आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद अभी चलिए मेरे साथ पीछे क्योंकि पीछे का जो दरवाजे वहाँ पे भी अभी दीवार का काम चालू है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ चलिए मेरे साथ ये पूरी बाउंड्री कंप्लीट होने जा रही है और यहाँ पे ऐसे तो पहले तो जंगल ही था अब हमारा 1 साल पुराना वीडियो देखोगे आप हमारा 1 साल पुराना जो व्लॉग देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसी जगह थी क्योंकि बहुत ही जंगल जैसा विस्तार था बहुत ही बुरी हालात के साथ यहाँ पे सब मैनेजमेंट था बट चले कोई बात नहीं आज भगवान की कृपा से ये सब करने का हमें जो सौभाग्य मिल रहा है वो सबसे बड़ी बात है तो भाई आप देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यू पूरी बाउंड्री लाइन बनने जा रही है और यहाँ पे पीछे ही हमारा सोशल मीडिया आश्रम है और दोस्तों आज जो भी कुछ हम कर रहे हैं आपके साथ और सहयोग से ही कर रहे हैं तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अभी चलिए हमारे मुकेश महाराज से भी मुलाकात करवा दो क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे मुकेश महाराज की कुछ अपडेट है नहीं तो उनके साथ भी थोड़ी बातचीत कर ले क्योंकि वो भी फ्रेश होके आ चुके हैं खाना भी खा लिया है तो चलिए मुकेश महाराज से मिलते हैं गोरे गोरे मुखर पे काला काला चश्मा क्या बात खूब है करिश्मा खूब है करिश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा क्या बात और क्या चल रहा है हमारे सोशल मीडिया आश्रम में शू चाले जाए अभी लोगो मेहनत की फोटा नहीं रोटी रोटी कमाई रहे छे क्या बात है अने जे पचन पानी ने थका पानी में छे ने पोटा रोटी रोटी शांति कमाई छे राजा जी मुझे एक प्रश्न है आपसे कि आप पूरे राज्य का संचालन करते हो सोशल मीडिया आश्रम में तो ये राज्य का भविष्य क्या है आनु भविष्य शू छे आ भविष्य यू छे के पैसा अपना हाथ में लखेलो छे बिल्कुल जोवानी कोई जरूरत नहीं मेहनत करसो तो पैसे बनसे अने आसो बनी बनसो तो किस्मत में कशु नहीं रहे शू कहो छो मने समझाणो नहीं
આદરેલું કામ કોઈનું અધૂરું નહીં જતું. આદરેલું કામ ક્યારે કોઈનું અધૂરું નથી રહેતું. પહેલી પાસે લગ્ન હોય છે, લગ્ન એટલે મહેનત હોય છે. મહેનત, લગ્ન, લાગણી, પ્રેમ. કેમ કે જ્યારે બધાનો સમન્વય થતો હોય ત્યારે કામને એક નવી સુવાસ મળતી હોય છે. એકબીજાનો મદદ કરવાથી માણસ આગળ પડી જતો હોય છે. વાહ, એને કહેવાય લગ્ન અને મહેનત. ક્યાં વાત. એક માણસ જો 100 ને સાચવે તો 100 માણસ કેટલો ને સાચવે હિસાબ કરી લો, એ રીતે જિંદગી બની જતી હોય છે. વાહ, આ સાચા સિદ્ધ અને સાકાર અને સફળ પુરુષની વ્યાખ્યા છે કહેવામાં આવે છે. બાકી અત્યાર સુધી આપણા રાજ્યમાં શું ચાલતું હતું? અત્યારે પણ સારું ચાલે, પણ એકબીજાને સંભીલ ચાલે. છો વાહ, જો લાકડાની ભારી છે ને એને બાંધી રાખો તો તૂટે ના. વાહ, એને છૂટી કરીને કાપી નાખો ને તો એ વિખરાઈ જાય. હા, વિખરાઈ જતી હોય છે અને કપાઈ પણ જાય છે. હા, શું વાત છે દોસ્તો. આ શબ્દો છે ને સમજવા માટે ખૂબ જ અઘરો સમય જોતો હોય છે. કેમ કે ઘણી બધી રીતે જીવનમાં આપણને ભગવાને મોકલી તો દીધા છે, પણ આપણે શું કામ આવ્યા છીએ એ પણ આપણે ક્યારેક જ ખબર પડતી હોય છે કે આપણે જીવન શું કામ મળ્યું છે. જીવનને આપણી જવાબદારી છે એમ નિભાવી પડે. વાહ, એ સબ બાતચીત તો સમજના આપણી બને ને. ક્યા નાવડીને જ્યારે અને હાલેસા આપણે ચલાવીએ ના દરમિયાન થોડી વહી જવાની છે. પાણીનો વેગ ભલે ને ગમે તેટલો હોય, દરિયા પર ઉભો રહ્યાથી દરિયા પાર ના થાય. દરિયા પડીને પાર કરી જવો પડે છે. ક્યાં વાત રાજાજી, એ જ્ઞાન કહાં સે આતા, એ બધું ક્યાંથી આવો લાવો છો બધી વાતો? ક્યાંય આમ શાસ્ત્રમાં ભણ્યા હતા તમે? પુસ્તકો જ્ઞાન છે કે પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન છે કે અનુભવથી કંઈક મળેલું છે? અનુભવ માણસને આગળ પાડે. વાહ, અને કવિ કોઈને ના ગોઠે. વાહ, ક્યાં વાત. જીવનમાં અનુભવ જરૂરી હોય, અનુભવ જરૂરી હોય છે. બહુત બડી બાત બોલી હે દોસ્તો. યે સબ બાતચીત કો સમજના બહુત હી બડા દિલ દિમાગ ઓર આપકા રુતબા ચાહીએ, ક્યુંકિ છોટે સોચ વાલે વ્યક્તિ હંમેશા પાંવ કી મોચ મેં અપની જિંદગી કો પસાર કર દેતે. જીવન મેં સોચના હૈ તો બડા સોચીએ ઓર એસા સોચીએ કે જિસકી વજહ સે આપ અપને એક દૂસરે લોગો કી મદદ કે વજહ સે કુછ આગે બઢને કી સોચ રખ સકો. એસા નહીં કે ભાઈ ચલો મેરા હૈ મેં હી કુછ કર સકતા હું, મેરે સે સબ કુછ હો સકતા હૈ. જીવન ઉસી કા નામ હે કે આપ દૂસરે કે પ્રતિ સમર્પિત હો, દૂસરે કે પ્રતિ અપના સંભાવ રખો. બિના દૂસરે કે લિયે બેટા અપને લેકે જીગે ક્યા કરેગા. એક દિન તેરા જિંદગી રાખો કે ફોન કે ઉડ જાયેગા. ક્યા વાત, ક્યા વાત.